एक ओर बिहार को इन दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात दिए जा रहे हैं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को फर्स्ट क्लास करने का भरोसा दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना JNKT यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हाल बदहाल नजर आ रहा है। उद्घाटन के बाद से ही यह अस्पताल इलाज को लेकर तो नहीं लेकिन कुव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है। इतना ही नहीं, चिकित्सकों और कर्मचारियों के अभाव में पिछले 2 वर्षों से अस्पताल के MRI सेंटर और अल्ट्रासाउंड सेंटर में ताला लगा हुआ है। आलम यह है कि OPD के कई कमरे और एक्सरे सेंटर सिर्फ अस्पताल में दिखाने के लिए रह गया है। भले ही अस्पताल प्रबंधक हॉस्पिटल में मरीज और उनके परिजन समेत स्टाफ के लिए शुद्ध पीने का पानी और साफ सफाई को लेकर अपनी सफाई दे रहे हों, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। खासकर OPD के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई का तो कोई मुकम्मल व्यवस्था ही नहीं है। अगर हम 800 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल के भवन की बात करें तो ये अस्पताल सिर्फ सेल्फी पॉइंट और रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन चिकित्सक के अभाव में अल्ट्रासाउंड तथा MRI आदि महंगे जांच मरीजों को बाहर से मोटी रकम देकर करवाना पड़ता है। इतना ही नहीं, न्यूरोसर्जन चिकित्सक के अभाव में गंभीर मरीजों को सीधा PMCH और DMCH रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीज जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग कई बार CM नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर समस्याओं के निजात हेतु मजबूती से अपनी बात रख चुके हैं। जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन अब स्थानीय लोग एक नागरिक मंच बनाकर आंदोलन को उतारू हैं। याद करें, जब CM नीतीश कुमार से मुलाकात करके मधेपुरा के पूर्व मुखिया अनिल अनल ने मुख्यमंत्री से जनता दरबार में अपनी मांग रखी थी, तब मुखिया जी ने समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन आज तक स्थिति यूं ही बरकरार है। जबकि CM नीतीश कुमार खुद जिले भर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की बात करते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मधेपुरा के JNKT जैसे अस्पताल में डॉक्टरों का ही अभाव है। ऐसे में अन्य जगहों पर अस्पताल खोलने से क्या फायदा होगा, लिहाजा इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करनी चाहिए। बता दें कि जब मधेपुरा के इस JNKT अस्पताल का उद्घाटन खुद CM नीतीश कुमार ने किया था, तब उस वक्त भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अब कोसी और सीमांचल के लोगों को इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह अस्पताल मधेपुरा के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन वरदान तो दूर, मधेपुरा का ये 800 करोड़ वाला जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अभिशाप ही साबित हो रहा है।